दोस्तों, टॉफीज और चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं होता। हम सब इसके बचपन से ही शौकीन रहे हैं और आज भी हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी कैंडी भी बनाई गई हैं जिनको खतरनाक होने की वजह से बैन कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के सबसे अजीबोगरीब चॉकलेट्स को, जिन्हें देखकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। कैंडी सिगरेट। दोस्तों, कैंडी सिगरेट तो कई लोगों ने खाई ही होगी। अगर नहीं खाई तो मैं आपको बता दूं, ये एक नकली सिगरेट होती है जो कि कई फ्लेवर्स में आती है। ये कैंडी दिखने में बिल्कुल सिगरेट की तरह होती है। वैसे तो इनको खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी इस कैंडी सिगरेट को 13 कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। वजह सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि बच्चों पर इन सिगरेट कैंडी का असर बहुत बुरा पड़ रहा था। इस कैंडी से बच्चों को उनके बचपन से ही सिगरेट की आदत डाली जा रही थी। रिसर्चर्स का तो मानना है कि इस कैंडी को खाने वाले ज्यादातर बच्चों की परसेंटेज को बड़े होकर सिगरेट की लत भी पड़ रही थी। दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि एक छोटा बच्चा अपने हाथ में सिगरेट जैसी दिखने वाली कैंडी पकड़ेगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा। और यही वो कारण है जिसके चलते कनाडा, यूके, कुवैत जैसे और 10 देशों में इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन इंडिया में ये सिगरेट कैंडी आज भी बेची जाती है। आपका क्या कहना है इस कैंडी को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताना। रोड किल गमी कैंडी। दोस्तों, मिलिए इस जेली से जिसे जानवरों के आकार में बनाया गया है। ये जेली आपको दिखने में भले ही स्वादिष्ट लगे, लेकिन इसको बनाने वाले ने इसको बनाने में एक गलती कर दी। असल में दोस्तों, इस जेली का शेप ऐसा है जैसे कि कोई जानवर रोड पर किसी गाड़ी के नीचे आकर मर गया हो। इन जेलीज में सांप, मुर्गी और गिलहरी जैसे जानवरों को शामिल किया गया है, और यही वो कारण है जिसके चलते इसका नाम रोड किल गमी कैंडी रखा गया है। आपको बता दें, 2005 में अमेरिका की फूड अथॉरिटी ने इस जेली को हमेशा के लिए बैन कर दिया, क्योंकि एनिमल्स राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इस कैंडी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए, जिसकी वजह सिर्फ यही थी कि इस जेली का आकार मरे हुए जानवर जैसा था, और ये इस बात का इशारा करता था कि जानवरों को मारना और उन्हें नुकसान पहुँचाना कोई गलत बात नहीं है। प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना था कि बच्चों को इससे गलत संदेश पहुँच रहा था, जिसके चलते इस रोड किल गमी कैंडी को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। एक्सप्लोडिंग गम। दोस्तों, बबल गम तो सभी लोगों ने खाई होगी। हमेशा की तरह कई लोग इसे मजे से खाते हैं और कई लोग इससे बबल भी बनाते हैं, और जैसा कि हमें मालूम ही है कि हमें इसे गुटकना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि बबल गम की वजह से किसी की जान जा सकती है? जी हाँ, ये सच है। ये घटना यूक्रेन के एक केमिस्ट्री स्टूडेंट की है जिसका नाम व्लादिमीर था। 9 दिसंबर 2009 को जब ये अपने घर पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन्होंने इसी दौरान एक बबल गम ली और सोचा क्यों ना इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए सिट्रिक एसिड में उसे बोया जाए। उसके डुबोते ही जैसे ही उसने बबल गम खाई, तभी उसका मुंह फट गया और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी। ये घटना इतनी खतरनाक थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई, और बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि उसने गलती से सिट्रिक एसिड की बजाय किसी दूसरे केमिकल में लगाकर उस चिंगम को खाया था। ये बात पता चलते ही वो च्युइंगम को बैन कर दिया गया, क्योंकि जांच के दौरान पता चला कि च्युइंगम में पहले से ही घातक केमिकल्स थे जो कि किसी भी चीज से रिएक्ट करके नुकसान पहुंचा सकते थे। किंडर सरप्राइज टॉय। दोस्तों, किंडर जॉय एग तो कई लोगों ने खाए होंगे। ये बच्चों की सबसे फेवरेट चॉकलेट होती है। ये चॉकलेट इटालियन कंपनी फरेरो द्वारा बनाई गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये अमेरिका में बैन है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इसमें पाया जाने वाला खिलौना है जिसको बच्चे खा भी सकते हैं। और कई घटना अमेरिका में ऐसी हुई जब इन बच्चों ने खेलते खेलते इन खिलौनों को निगल लिया, और ये केसेस जब बढ़ने लगे तो यूएसए ने इसे बैन कर दिया और उसकी सेलिंग पर सख्ती से पाबंदी लगा दी। ये सब देखते हुए कई देशों में इस चॉकलेट को बैन कर दिया गया, लेकिन किंडर सरप्राइज चॉकलेट आज भी एशिया, गल्फ, कैनेडा, मैक्सिको और कई देशों में आज भी बेची जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस चॉकलेट एग में पाए जाने वाला खिलौना वाकई में खतरनाक है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। Bring him from the yard.